तो आपने तब तक मिड कैप निफ्टी को कल के दिन पे ट्रेड नहीं करना जब तक ये इनमें से किसी का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं देता। ट्रेंड लाइन को 1, 2, 3, 4 बार इसने टेस्ट कर दिया है। अब अगर कल के दिन पे मार्केट गैप अप ओपन होती है। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कल की मार्केट के एनालिसिस। कल है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, साथ में बैंक एक्स की एक्सपायरी। बैंक एक्स पे तो हम ट्रेड नहीं करते, बट मिड कैप निफ्टी को हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपना मेन इंडेक्स निफ्टी, इसका एनालिसिस कर देते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस कैसे होता है आपको वो भी सीखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल की मार्केट में क्या होने वाला है और कैसे कल की मार्केट के लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको आज की वीडियो में दिख जाएगा। तो सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे अपनी कैंडल देख रहा हूँ और मुझे डेली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल बनी है जो लास्ट फ्राइडे को बनी है। फ्राइडे को मार्केट बुलिश थी, सुबह से ही एक अप ट्रेंड में थी, धीरे धीरे ऊपर जा रही थी और उसने अच्छी खासी एक बुलिश मार्केट फ्राइडे को बनाई है निफ्टी ने। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेजर लेवल्स की। तो मेजर लेवल्स ड्रॉ करने की, अगर मुझे इंट्राडे के मेजर लेवल्स ड्रॉ करने हैं ना, तो मुझे हमेशा 4 आवर्स का टाइम फ्रेम उठाना है। अब 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ऑटोमेटिक लेवल्स भी मेरा इंडिकेटर बना के दे देगा, बट मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक लेवल्स पे काम नहीं करना, मुझे अपने मैनुअल लेवल्स बनाने हैं। अब मैनुअल लेवल्स की मैं बात देखूँ तो मुझे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे 2 मेजर लेवल दिख रहे हैं, वो हैं 1, नंबर 1 लेवल दिस एंड नंबर 2 लेवल इज दिस। ये 2 मुझे सबसे मेजर लेवल्स तो दिखे हैं मार्केट के, 22,800 जो ऑल टाइम हाई का लेवल है और नीचे की तरफ 21,709। अब है वॉर, तो अब हम दोनों तरह से निफ्टी को एनालाइज करें, बुलिश व्यू भी निफ्टी पे देखेंगे और बेयरिश व्यू भी देखेंगे, हम दोनों के लेवल्स निकालेंगे। तो अब मैं 4 आवर्स के बाद भी जा रहा हूँ वहाँ ना के टाइम फ्रेम पे, और सबसे पहला काम जो मेरा होना चाहिए ना जब भी मुझे लेवल्स ड्रॉ करने और मार्केट के एनालिसिस करना है, वो है प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करना। लो तो अपने आप मार्क हो गया इस लेवल में, मैंने हाई भी मार्क कर दिया, इसके साथ साथ प्रीवियस डे का क्लोज और ओपन, ये दोनों पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने जब भी मार्क करना है, आप एक लाइन के साथ इनको डिनोट कर सकते हो, आप ऐसी एक लाइन बना दो ताकि आपके पास ये लेवल भी बन के आ जाए जब भी आप ट्रेड करो, ये लेवल्स आपके पास स्क्रीन पे हमेशा होना चाहिए। इसके बाद आपने देखा होगा 4 आवर्स के बाद मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गया हूँ और अब मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके इंपॉर्टेंट मार्केट लेवल्स को फाइंड आउट करना है। तो एक तो देखो, मुझे ये बहुत मेजर लेवल दिख रहा है जहाँ से मार्केट ने स्विंग बनाई है। एक सपोर्ट ये वाला मार्केट ने लिया, एक सपोर्ट ये वाला मार्केट ने लिया, उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस भी दिया है मार्केट ने। तो एक ये मेरे पास बहुत मेजर लेवल है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो मैं इस लेवल को डिनोट कर दूंगा यहाँ कहीं से, ऐसे इसको मार्क कर दूंगा मैं, ये लेवल मेरे पास बन जाता है। इसके अलावा मेरे पास ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट है, आप देखो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट दिया और यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो मैं इस लेवल को भी मार्क कर देता हूँ। ये मेरे मोस्टली जो मेजर लेवल्स निफ्टी के हैं वो निकल के आ जाते हैं। अब ये लेवल्स को हम टारगेट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इन लेवल्स को हम ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इन लेवल्स को हम एज अ ट्रेडिंग एसल भी यूज़ कर सकते हैं कि जब जब मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाए जाए, हम इनके नीचे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड कर जाएँ। तो तीनों वे से आप इन लेवल्स को ट्रेड कर सकते हो। अब जो वॉर मार्केट में एक सिचुएशन बनाई हुई है, अगर अब वॉर कुछ आगे स्टेज पे बढ़ती है, अगर वॉर यहीं पे स्टॉप हो जाती है, तो फिर हम यहाँ से मार्केट को ऊपर के लेवल्स को ब्रेक करते की तरफ एक्सपेक्ट करेंगे कि ये धीरे धीरे ऊपर के लेवल्स को ब्रेक करता जाता जाता अपने नए ऑल टाइम हाईस की तरफ जाएगा। बट अगर यहाँ से वॉर कंटिन्यू रहती है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कितनी बेयरिश कैंडल बनी है, तो आपको ये मार्केट में क्या दिख सकता है वो बहुत दिखने वाली बात है। आपको यहाँ पे अगर ये वॉर कंटिन्यू रहती है, तो आपको जो नेक्स्ट इसके बाद देखने को मिल सकता है एरिया, दैट कैन बी दिस जोन 21,497, मतलब 21,500 का आपको लेवल यहाँ पे टेस्ट करने को मिल सकती है मार्केट अगर अपने इस लेवल को तोड़ दी। मैं आपको एक बार एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दूंगा, पहले हम एनालिसिस करके इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंसेस अपनी ड्रॉ किया, अब मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आता हूँ और मैं अपने मार्केट का एक व्यू देखता हूँ कि ये पिक्चर परफेक्ट कैसे बनाया है। एक तो मुझे यहाँ पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आती हुई दिख रही है। तो पहले आप सब ऐसी चीज़ों को ड्रॉ कर दो जिसके साथ आपको समझ में आ जाए कि मार्केट क्या क्या कर सकती है इंट्राडे पे। मैंने आपने देखा टॉप 1 डे के टाइम फ्रेम से शुरू किया, 4 आवर्स पे गया, 1 आवर पे आया, अब मैं 15 मिनट्स पे आ गया हूँ। यहाँ पे मार्केट देख रहा हूँ कि क्या पैटर्न में है मार्केट। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि मार्केट अपनी एक ट्रेंड लाइन के पास है, जिस ट्रेंड लाइन को 1, 2,
3-4 बार इसने टेस्ट कर दिया हुआ है। अब अगर कल के दिन पे मार्केट गैप अप ओपन होती है, अगर कल के दिन पे मार्केट गैप अप कहीं पे 22,300 के पास या इसके पास कहीं पे ओपन होती है कल के दिन पे मार्केट, और उम्मीद भी गैप अप ओपनिंग की है मुझे कल मार्केट में, या फ्लैट टू गैप अप की उम्मीद है, अगर कल के दिन ये फ्लैट टू गैप अप कहीं पे यहाँ पे ओपन होती है या यहाँ पे ओपन होती है मार्केट, तो आपको फिर मार्केट में 22,600-22,800 के लिए ट्रेड करना है। बट करना कब है? जब गैप अप होने के बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी और उस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे करना, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश पोजीशंस बिल्ड होगी बाइंग की, वहाँ पे फ्रेश बायर्स एंट्री बनाएंगे और वहाँ पे आप ट्रेड करोगे। उधर भी आप दो तरह से करोगे, जहाँ पे फ्रेश बायर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस मार्क करोगे, उनका हाई मार्क करोगे, जहाँ पे टूटेगा आप वहाँ पे ट्रेड करोगे, ठीक है। अगर मार्केट कल के दिन पे गैप डाउन ओपन हो जाती है, यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है या यहाँ पे ओपन हो जाती है या फ्लैट ओपन हो जाती है, आप वेट करोगे कि मार्केट वेदर इस ट्रेंड लाइन से इजेक्शन देना स्टार्ट करती है। अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से इजेक्शन देना स्टार्ट कर दी, आपके पास टारगेट नंबर 1 होगा 21,879, टारगेट नंबर 2 21,700, टारगेट नंबर 3 21,500, ये 3 टारगेट होंगे। तो ऊपर के लिए मैंने आपको कौन से टारगेट्स दिए हैं? ऊपर के लिए आपको मिला है टारगेट 22,400 का, 22,600 का एंड 22,800 का। और नीचे के लिए अगर इस ट्रेंड लाइन से मार्केट रिजेक्शन लेती है तो यू विल सी टारगेट्स 21,800 एंड 21,500 कमिंग एनी टाइम, और आपको नेक्स्ट मार्केट का इसके बाद जो लेवल है वो 21,160 के अराउंड है। तो आपको ये 3 मार्केट में लेवल्स आने को मिल सकते हैं मार्केट में कल के दिन पे। ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब कल के दिन पे मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, और मिड कैप निफ्टी निफ्टी से काफ़ी अलग ही चलता है, आपने देखा होगा। इसका भी टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखो तो इसमें ऑलमोस्ट एक डोजी कैंडल कह दो या ड्रैगन फ्लाई डोजी कह दो, आप जॉन सी मर्जी कह सकते हो, प्रॉपर ड्रैगन फ्लाई तो नहीं है बट यस एक डोजी कैंडल है यहाँ पे। तो ये अभी कंफ्यूज्ड है कि इसको किस डायरेक्शन में जाना है मिड कैप निफ्टी, इट्स कंफ्यूज्ड। तो मैं अब थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, दैट इज 4 आवर्स का टाइम फ्रेम, और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले तो अपना मेजर काम जो करना है इसका हाई इसका लो, ये तो हमने हमेशा मार्क करने ही करने हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए, डे हाई डे लो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरह काम करते हैं। उसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक तो चलो ऑल टाइम हाई का तो लेवल ये है, ये अभी हमें मार्क करने की नीड नहीं है। मुझे यहाँ पे ये मेजर सपोर्ट दिख रही है जहाँ से मार्केट ने 2 बार सपोर्ट दी हुई है। आप यहाँ पे देखोगे आपको 1 बार सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, और यहाँ से भी इसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया हुआ है। तो ये भी एक सपोर्ट लेवल है, ये भी एक सपोर्ट लेवल है, मैं दोनों को मार्क कर देता हूँ 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। जितना बड़े टाइम फ्रेम का लेवल उतना बढ़िया काम करता है वो लेवल, हमेशा के लिए याद रखना। तो ये मेरे पास कुछ लेवल्स बन के आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी के। इसके अलावा नेक्स्ट लेवल मेरे पास मिड कैप निफ्टी का एक ये बनेगा, और उसके बाद मेरे पास एक मिड कैप निफ्टी का ये लेवल बनेगा। अब मैं आपको मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस देता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ी सी पिक्चर आपको देखो और क्लियर हो जाएगी। 15 मिनट्स पे आपको बहुत साफ दिखने लग पड़ेगा कि लेवल्स को कैसे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है। पिक्चर परफेक्ट एनालिसिस लग रहा है, ये देखो ये इसके बीच में ट्रैप हुआ, इसके बीच में ट्रैप हुआ, कैसे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया हुआ। 30 मिनट्स पे जाके देखते हैं, कोई और छोटा लेवल बनाने की नीड है इंटर डे के लिए तो हम उसको मार्क कर देते हैं। ये 10,651 सुबह इधर से इजेक्शन हुआ, उसके बाद इधर से होल्ड हुआ है, तो ये भी एक ओपनिंग का क्लोजिंग का लेवल भी है, इसको भी हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट नियर टू वो है और ओपनिंग भी यहाँ पे है, ठीक है। ये लेवल हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या सिस्टम बनेगा कल के दिन पे मिड कैप निफ्टी का। तो मिड कैप निफ्टी की अगर मैं बात करूँ कल के दिन पे, तो आपको यहाँ पे दिस इज अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है इसकी यहाँ पे, दिस इज अ ट्रेंड लाइन ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है। और नीचे से अगर मैं बात करूँ इसकी ट्रेंड लाइन की, मैंने भी पहले जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ एनालिसिस किया नहीं होता, आपके साथ ही बैठ के करता हूँ और आपके साथ ही मार्केट का व्यू निकालता हूँ, ताकि आपको भी समझ आ पाए ये व्यूज कैसे फाइंड आउट करने हैं हमें मार्केट के, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास मिड कैप निफ्टी की एक ट्रेंड लाइन ये है, एक ट्रेंड लाइन ये है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी इसको आप कह सकते हो। अब मैं आपको मिड कैप निफ्टी का एक व्यू देता हूँ, इसके साथ साथ ये एक चैनल टाइप फॉर्मेशन में भी लग रहा है। ये मिड कैप निफ्टी का मेरे पास कल के दिन का व्यू है। अब आप मिड कैप निफ्टी को कल के दिन पे देखोगे तो आपके पास 2 सिनेरियोस हैं। अगर मिड कैप निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है
तो आपने तब तक मिड कैप निफ्टी को कल के दिन पे ट्रेड नहीं करना जब तक ये इनमें से किसी का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं देता। रीजन बीइंग, जब ये इस जोन के बीच में ट्रैप रहेगा तो ये थीटा डिके देगा आपको, थीटा डिके के अलावा कुछ नहीं देगा। और मिड कैप निफ्टी के लिए अगर ये इस जोन को तोड़ता है तो आपके पास टारगेट होगा 10,920 का, 11,040 का। और अगर ये नीचे की तरफ अपने इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है या गैप डाउन ओपन होता है, कंसोलिडेट करके जर्नी स्टार्ट करता है, ऊपर स्टार्ट करता है, तो आपके पास टारगेट्स होंगे 10,520 के और उसके बाद 10,320 के और उसके बाद 10,125। ये सब टारगेट्स हैं। हमारा व्यू है कि अगर वॉर कंटिन्यू करती है कल के दिन पे तो मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट फॉल करेगा। बट इन केस ये वॉर कंटिन्यू नहीं करती, मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप की तो मुझे पॉसिबिलिटी है मार्केट में, मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वहाँ से कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अपने ऑल टाइम हाइज के पास भी जा सकता है और वहाँ से नए हाइज भी बना सकता है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है और इलेक्शन के टाइम में मार्केट को बुलिश होना ही होना है। ये कल के दिन का एनालिसिस था मिड कैप निफ्टी का, आपको बता दिया कब तक ट्रेड नहीं करना। और यस, आज शाम को एक वीडियो आएगी जिसमें आपको एक फॉरेक्स की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट। और ऐसे मार्केट एनालिसिस चाहते हो और तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि मैं टाइम टू टाइम आपको डेली मार्केट एनालिसिस देना स्टार्ट कर दूँ। आप मार्केट एनालिसिस पे ना रिस्पॉन्स नहीं दिखाते, देखते नहीं है भाई लोग, वीडियो इग्नोर कर देते हैं, तो मैं बनाता नहीं हूँ। कहोगे तो बनाऊंगा, ताकि आप भी एक दिन पहले बैठ के मार्केट का एक व्यू बनाओ और उस व्यू के हिसाब से आप कल के दिन के लिए रेडी हो जाओ हमेशा। बाय एवरीवन, टेक केयर, ग्रेट डे।